खबर है बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव को लेकर, जो आजकल सोशल मीडिया पर काफी धमाल मचाए रहते हैं। उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। एल्विश यादव को कथित तौर पर फोन पर धमकी मिली है और उनसे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है, जिसके बाद एल्विश यादव ने गुरुग्राम पुलिस में अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी शाकिर मकरानी को गुजरात से गिरफ्तार किया है। सुनिए, ये बिग बॉस विनर हैं एल्विश यादव, OTT 2 के विनर हैं और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी हैं, और इनके माध्यम से हमारे पास एक गुड़गांव पुलिस के पास एक सूचना और शिकायत प्राप्त हुई थी कि 25 अक्टूबर को कि इनके पास कुछ धमकी भरे मैसेजेस आए हैं 17th ऑफ अक्टूबर के अराउंड, जिसमें इनसे लगभग 40 लाख पहले और फिर 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई है। उस संबंध में गुड़गांव पुलिस के माध्यम से हमने एक केस रजिस्टर्ड करा गया है और फिर हमारे जो कमिश्नर पुलिस हैं विकास अरोड़ा IPS, उनके दिशा निर्देश और उनके आदेश अनुसार एक टीम गठित करी गई और हमारे संबंधित जो DCP क्राइम है उनके मार्गदर्शन में फिर उस टीम ने काम करा है और गुजरात पुलिस के इससे काफ़ी सहायता प्राप्त हुई है। हमने कुछ जो हमारे पास इनपुट्स आए थे, जो डिटेल्स हमारे से शेयर हुई, जो संबंधित हमने जानकारी इकट्ठी करी वो गुजरात पुलिस के साथ हमने शेयर करी और फिर हमने एक अपनी टीम रवाना करी और वहाँ से एक जो सस्पेक्ट था हमारे इस केस का उसको अरेस्ट करने में हमने सफलता प्राप्त करी है। ये शाकिर मकरानी है, वड नगर का जो है वहाँ पर गुजरात का निवासी है, 24 साल इसकी उम्र है और ये शाकिर मकरानी सन ऑफ जाकिर है। ये फादर और बेटा दोनों ही बतौर एज ए RTO एजेंट जो वहाँ पर RTO एजेंट का काम कर रहे थे, तो उस इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है जो शाकिर मकरानी है और गुजरात पुलिस के माध्यम से हमें काफ़ी कोऑपरेशन मिला है। देखिए, जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव हैं वो काफ़ी लोगों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, अपने अपने जो वीडियोस बनाते हैं या जिस तरीके की चीज़ें वो बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, तो ये भी कहीं ना कहीं उनके लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस हुआ है और एक छोटी उम्र में ही काफ़ी पैसे कमाने की इच्छा और चाह रखते हुए इस तरीके से इसने इस प्लानिंग को अंजाम दिया और फिर कहीं किसी माध्यम से इनके नंबर वगैरह अरेंज करके इनको WhatsApp के माध्यम से धमकी भरे मैसेज भेज दिए। देखिए, संबंधित वो बिल्कुल जो भी जायज कदम उठाए जा सकते हैं वो बिल्कुल गुड़गांव पुलिस के माध्यम से करे जाएंगे। बता दें कि पुलिस ने आगे बताया कि आरोपी ने 1400 रुपये में एक फर्जी सिम कार्ड खरीदा, जिसका इस्तेमाल करके उसने वारदात को अंजाम देने के लिए मैसेज किए। आरोपी से वारदात को अंजाम देने के लिए जो फोन और सिम कार्ड इस्तेमाल किया गया था वो सब बरामद कर लिया है और आगे की जाँच जारी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।